दोस्तों हमारे YouTube चैनल राज वनस्पति में आपका स्वागत है। दोस्तों आपने अक्सर कई लोगों को कहते सुना होगा कि हमारी हर समस्या का इलाज प्रकृति में छिपा हुआ है। दरअसल हमारे आसपास कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं जिन्हें आते जाते हम हर रोज देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये पेड़ सिर्फ पर्यावरण को ही शुद्ध नहीं करते बल्कि हमारे शरीर को भी स्वस्थ करने में सक्षम होते हैं। वजह है इनमें पाए जाने वाले औषधीय गुण ऐसे ही कई औषधीय गुणों से भरपूर है अशोक का पेड़। दोस्तों अशोक का मतलब, शोक का मतलब होता है दुख, अशोक का मतलब है दुख या दर्द से राहत देने वाला। दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम सरका अशोच है। यह पेड़ भारतीय उपमहाद्वीप खासकर दक्षिण भारत, मध्य और पूर्वी हिमालय में करीब पाया जाता है। अशोक वृक्ष को नेपाल, भारत और श्रीलंका में पवित्र माना जाता है। इस वृक्ष के साथ बौद्धों और हिंदुओं की मजबूत धार्मिक आस्था जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म अशोक वृक्ष के नीचे ही हुआ था। दोस्तों अशोक के पेड़ का उपयोग रोगों से छुटकारा दिलाने और शारीरिक दुख दूर करने के लिए हजारों सालों से होता आ रहा है। दोस्तों यह मुख्य रूप से स्त्री रोग, रक्त वहने विकारों और मूत्र रोगों में काफ़ी फायदेमंद होता है। अशोक की छाल कसैली, रूखी और स्वभाव से ठंडी होती है। अशोक के पत्ते लंबे होते हैं और जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये अशोक के पत्ते हैं, ये लंबे होते हैं और जिन्हें लोग ताम पत्र भी कहते हैं। दोस्तों इसका फूल सुंदर और सुगंधित होता है। इसका फल फलियों के रूप में होता है। अशोक की छाल, पत्तों और फूलों के बीजों का प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। दोस्तों छाल में टैनिन और कैटिकॉल और उड़नशील तेल, कीटोस्टेरॉयल, सेपोनिन, कैल्शियम, आयरन जैसे यौगिक पाए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम आपको अशोक के क्या क्या औषधीय गुण हैं, क्या फायदे हैं और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों विस्तार से बताएंगे। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। अगर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अशोक की छाल से योनि को टाइट कर सकते हैं। अगर आप अपनी योनि के ढीलेपन से परेशान हैं तो अशोक की छाल, बबूल की छाल और गूलर की छाल, माजू फल और फिटकरी को बराबर मात्रा में मिलाकर दोस्तों पीस लें। फिर इसे किसी सूती कपड़े से छानकर इसका पाउडर बना लें। दोस्तों इस पाउडर की 100 ग्राम की मात्रा 1 लीटर पानी में उबालें। जब यह चौथाई बच जाए तो इसे ठंडा करके रात को योनि के अंदर डालें। इसका इस्तेमाल कुछ ही दिनों लगातार करने से योनि टाइट हो जाती है। ये ल्यूकोरिया के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों अगर सफ़ेद पानी की शिकायत है इसके लिए यह बहुत ही फायदेमंद और कारगर और अचूक नुस्खा है। दोस्तों 1 चम्मच अशोक की छाल के चूर का प्रतिदिन 2 बार गाय के दूध के साथ सेवन करने से दोस्तों ल्यूकोरिया की समस्या ठीक हो जाती है।